जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आने लगे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियों के नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इस डबल इंजन की सरकार का इंजन खराब हो चुका है, अब उसको बदलने की जरूरत है। जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो देश का पावर हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी हरियाणा में पूरी ताकत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि आप पार्टी दिल्ली में पिट चुकी, पंजाब में पिट चुकी, उनके पास कोई काम नहीं है बताने के लिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इनको केवल एक ही फॉर्मूला आता है, जेल के अंदर बैठकर कैसे सरकार चलानी है। देखिए, जो देश का पावर हाउस है वो नरेंद्र मोदी के पास है, और नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी और पूरी ताकत के साथ बनाएगी, क्योंकि लोग जो आप पार्टी दिल्ली में पिट चुकी, पंजाब में पिट चुकी, दिल्ली की सातों सीटें लोकसभा में हारी, इनके पास कोई काम बताने के लिए नहीं है सिवाय ठगी के। और किस प्रकार से एक ही इनको फार्मूला आता है कि जेल के अंदर बैठ के सरकार कैसे चलानी है, एक ही फार्मूला आता है और इसके सिवाय इनको कुछ नहीं। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला अब पोस्ट कार्ड के जरिए बीजेपी सरकार पर वार कर रहे हैं, जिस पर अनिल विज ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अच्छी बात है कि राजनीति में एक पोस्टमैन भी आया है। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला को कोई अब तवज्जो नहीं देता है, कोई उनकी बात सुनता नहीं है, इसीलिए अब वो पोस्टमैन बन गए हैं। नहीं, ये एक अच्छी बात है कि राजनीति में एक पोस्टमैन भी आ गया है, और सुरजेवाला जी अब उनकी कोई बात सुनता नहीं है, उनकी बात को तवज्जो नहीं कोई देता, तो इसलिए अब वो पोस्टमैन बन गए और अपनी बातों को पोस्ट कार्ड के जरिए। राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खटमल की तरह मसलने की बात कह दी, जिस पर अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिटे हुए खिलाड़ियों की भाषा का स्तर गिर ही जाता है। उन्होंने कहा कि जब आदमी नीचे गिर जाता है तो उसकी भाषा पर संयम नहीं रहता, वही हाल उद्धव ठाकरे का है। ये राजनीति में पूरी तरह से पिट चुके हैं और हाय तौबा करना इनकी मजबूरी है। देखिए, पिटे हुए खिलाड़ियों का जो भाषा का स्तर है वो गिर ही जाया करता है। जब आदमी नीचे पड़ा होता है ना, तो उसकी जो भाषा पर संयम नहीं रहता, वही हाल उद्धव ठाकरे का है। ये राजनीति में पूरी तरह से पिट चुके हैं, तो हाय तौबा करना तो इनकी मजबूरी। जो आदमी पिट चुका है और नीचे पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, उसका भाषा पर नियंत्रण नहीं रहता, ये पिटे हुए मोहरे। उपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया, इस सरकार चुनाव को देखते हुए झूठे वादे कर रही है, जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठे और बेईमानी की दुकान है। विज ने हुड्डा पर जमकर हमला बोला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ और बेईमानी की दुकान है। आजकल ये झूठे वादे कर रहे हैं कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर लेंगे। ठेकेदारी प्रथा किसने शुरू करी? एम्प्लॉइज का शोषण किसने करवाया? किसने ठेके पर रखे? हमने तो फिर HKRN बनाकर, ताकि कर्मचारियों का शोषण ना हो, जो ठेकेदार उनसे तनख्वाह से हर महीने पैसे लेता था, उसको बंद करने के लिए हमने सिस्टम किया है। और जब समय आएगा हम भी इनका पक्का करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा खिलाड़ियों की बात करता है? ये एशियाड में जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आए थे, इसने उनको इनाम नहीं दिए?
उनके इनाम खेल मंत्री बनने के बाद मैंने दिए, ये तो ऐसे ही भाग गए थे, इनको क्या हक है बोलने का। झूठ सारा दिन लोगों को पिलाते, लेकिन हरियाणा की जनता इनकी वास्तविकता को जानती है। मैंने आपको बताया ना, ना तो इन्होंने पद दिए और ना मेडल की जो राशि मिलती है वो दी, वो मैंने दिया। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।